नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में भले ही अगले दो से चार दिनों में हल्की बारिश हुई हो, किन्हीं किन्हीं जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली हो, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की चपेट में पूरा बिहार आ चुका है। और यही वजह है कि राजधानी पटना के साथ ही 18 जिलों के लिए लू का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। खास करके दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है और अपने घर से बेवजह ना निकलने की बात भी मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। लेकिन इस बीच अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो इस वक्त आज और कल के लिए मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी करते हुए राजधानी पटना के साथ ही साथ 18 जिलों में लू को लेकर जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया है। एक एक करके आपको इन जिलों के नाम बताते हैं, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का ये भी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिनों तक लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका सहित 18 जिलों में पछुआ का प्रभाव मजबूत हुआ है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक लू से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो 28 अप्रैल के बाद दक्षिणी भागों में पुड़वा और प्रभाव से होने से तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। लेकिन इस वक्त मौसम विभाग की माने तो 28 अप्रैल के बाद दक्षिणी भागों में पुड़वा का प्रभाव होने से तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई गई है। लेकिन आज से लेकर 28 अप्रैल तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। खास करके बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जो लू के चपेट में हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में इस मौसम का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर हमारी सेहत पर पड़ता है, छोटे बच्चों पर पड़ता है। और यही वजह है कि सावधान रहने की जो अपील है वो भी मौसम विभाग की तरफ से की गई है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे हल्की बारिश भी होगी, मौसम में जो थोड़ी नमी है वो देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगा। लेकिन आज से लेकर 28 अप्रैल तक ये बेहद जरूरी है कि हम सावधान रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो जो पारा है वो 40 और 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और इस बार की गर्मी ने तो अपने सालों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी तोड़ दिए हैं। और यही वजह है कि इस अप्रैल के महीने में ही मई जून की उमस वाली जो गर्मी है उसका एहसास लोगों को हो रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो अलर्ट है, जो चेतावनी है वो भी जारी की जा रही है, जिसको लेकर पटना के साथ ही साथ 18 जिलों में इस वक्त येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।